और हमने फोन का जो फ्लैश लाइट है उसकी हेल्प से ये फोटो खींची है। सबसे पहले ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये हमने फोन के रियर कैमरे से शूट किया है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मंत्रा में। जी हाँ दोस्तों, फाइनली हमने फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे दिवाली सेल से बाय कर लिया है सैमसंग का S21 FE 5G स्मार्टफोन, जिसका जो ऑर्डर है वो हमें कल ही डिलीवर्ड हुआ है। ये है दोस्तों फ्लिपकार्ट की तरफ से आने वाला वो पार्सल। इसके अंदर हमें मिल जाता है सैमसंग का S21 FE 5G स्मार्टफोन, और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए इसको अनबॉक्स और रिव्यू करने वाले हैं। और दोस्तों इसको अनबॉक्स करने से पहले हम आपको ये बात जरूर बता दें, इस बॉक्स को ऑलरेडी जो फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय है उसने हमारे सामने ओपन कर दिया था एज पर न्यू पॉलिसी। वो आपके सामने आपको जो बॉक्स के अंदर आइटम मिलते हैं, जो भी इक्विपमेंट मिलते हैं, उनको आपको शो करते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ है वो डैमेज है, तो उस केस में आप फ्लिपकार्ट के जो डिलीवरी बॉय है उसके साथ में जो OTP है उसको शेयर नहीं करते हैं, सो दैट वो उसी समय उसका जो रिप्लेसमेंट है वो डाल दे और आपको एक न्यू प्रोडक्ट मिल जाए। तो चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं और इसका जो इनिशियल इंप्रेशन है, जो बेसिक रिव्यू है, उसको आपके सामने शो करते हैं। सो दोस्तों ये है फ्लिपकार्ट का बॉक्स, फटाफट से इसको ओपन करते हैं। एक बार दोबारा से इसको हमने आपके लिए ओपन किया है। तो दोस्तों बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें मिल जाता है फ्लिपकार्ट का ये बिल और सैमसंग S21 FE का बॉक्स। फ्रेश बॉक्स जब आपके पास आता है तो यहां पर सील लगी होती है, जिसको Amazon के डिलीवरी बॉय ने ओपन कर हमको डिलीवरी के टाइम इसके अंदर मिलने वाले सारे जो इक्विपमेंट हैं, जो आइटम्स हैं, वो शो किए थे। तो सील इसकी ऑलरेडी ओपन है, ओपन करते हैं इसको और बॉक्स के अंदर मिलने वाले सारे आइटम आपको शो करते हैं। तो बॉक्स के अंदर में से सबसे पहले हमें मिलता है सैमसंग S21 FE, जो कि हमने ऑलिव ग्रीन कलर में बाय किया है, आप देख सकते हैं। चलिए इसको साइड रखते हैं। फोन के अलावा इस बॉक्स में आपको सिम इंजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है यहां पर, और यहां पर जो फोन का बार कोड है वो आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इस बॉक्स के अंदर आपको एक टाइप C2C केबल मिल जाती है, कुछ इस तरह की व्हाइट कलर में। और इसके अलावा यहां पर कुछ जो डॉक्यूमेंट है वो देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इसका वारंटी कार्ड और मैनुअल बुक। दोस्तों सैमसंग 21 FE के बॉक्स में फोन टाइप C2C केबल और कुछ डॉक्यूमेंट के अलावा हमें कुछ भी अलग से नहीं मिलता है, और इस फोन के साथ में आपको कोई भी चार्जर देखने को नहीं मिलता है। तो आपको इसके लिए जो चार्जर है वो उसको सेपरेटली बाय करना पड़ेगा, या अगर आपके घर में कोई चार्जर है जो इसको सपोर्ट करता है तो उससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। चलिए अब फालतू आइटम को साइड रखते हैं। सबसे पहले इसके बाहर जो कवर हमें देखने को मिलता है ब्लैक कलर का, इसको हम ओपन करते हैं। सो इसको आपको कुछ इस तरह से निकालना होगा। सो दोस्तों यहां पर ये थोड़ा सा बुरा लगता है कि सैमसंग के S21 FE फोन के साथ में ना ही आपको कोई चार्जर देखने को मिलता है, ना ही कोई स्क्रैच गार्ड, और ना ही साथ ही साथ कोई जो फोन कवर है वो देखने को यहां पर मिल जाता है। बट अभी जो प्राइस है उसका वो काफी वैल्यू फॉर मनी है, इसीलिए हमने इसको बाय किया है। और इस फोन के लिए जो बेस्ट प्राइस अभी हमने पे किया है उसके बारे में हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कवर से फोन को अलग करने के बाद आप देख सकते हैं फोन का जो लुक है, जो डिजाइन है, कितना जबरदस्त लगता है, और ये एक फ्लैगशिप लेवल का फोन है। इस फोन में जो बैक पैनल दिया गया है ये पूरी तरह से पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बना हुआ है। इसके अलावा इस फोन में जो फ्रेम आपको देखने को मिलता है ये पूरी तरह से मेटल मेड फ्रेम है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स ऑन द राइट साइड यहां पर आपको फोन को पावर ऑन और ऑफ करने के लिए बटन मिल जाता है। इसके अलावा ऊपर यहां पर आपको वॉल्यूम रॉकर का बटन मिल जाता है, जहां से आप ऑडियो का वॉल्यूम है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सैमसंग 21 FE में आपको बैक साइड में तीन कैमरा देखने को मिल जाते हैं, दो 12 मेगापिक्सल के और एक 8 मेगापिक्सल का। और साथ ही साथ इस फोन में सेल्फी लेने के लिए आपको
31 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाता है। और सैमसंग S21 FE आता है OIS इनबिल्ट सपोर्ट के साथ में। इट मींस वीडियो बनाते समय इस फोन में आपको कोई भी जो ज्यादा जर्क है वो देखने को नहीं मिलते हैं, वीडियो काफी स्टेबल आती है। और ये एक 5G फोन है तो इसमें लगभग आपको 12 5G बैंड देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से S21 FE को स्टार्ट करते हैं और इसके कुछ इंटरनल फीचर के बारे में बात करते हैं और इसका जो कैमरा है और वीडियो क्वालिटी है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो इस बटन को प्रेस करेंगे फोन को बूट अप करने के लिए। सो फोन यहां पर स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है यहां पर स्टार्ट का, आपको यहां पर क्लिक करना है। स्टार्ट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है फॉर योर रिव्यू। तो यहां पर कुछ चेकबॉक्स दिए गए हैं, आपको सबसे नीचे एग्री टू ऑल के चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और इसके बाद क्लिक करना है एग्री पर। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने यहां पर आता है परमिशन फॉर सैमसंग एप्स एंड सर्विसेज और नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहां पर जो भी परमिशन है इनको आप अपने अकॉर्डिंग डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको क्लिक करना है एग्री पर। क्लिक करते ही नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है चूज अ वाईफाई नेटवर्क और ये आपके आसपास में जो भी वाईफाई कनेक्शन है उनको सर्च कर लेता है। इसके बाद आपको अगर आपके घर में वाईफाई है तो इससे इसको कनेक्ट कर लेना है, अगर नहीं है तो आपको टर्न ऑफ वाईफाई पर क्लिक करना है। तो फिलहाल हम इसको टर्न ऑफ वाईफाई पर क्लिक कर लेते हैं, इसके बाद इसको स्किप करते हैं और अगर आप वाईफाई को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दोस्तों फोन में जैसे ही आप वाईफाई वाले ऑप्शन को स्किप करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन यहां पर आपके पास आता है कॉपी एप्स एंड डेटा। तो अगर आप अपने ओल्ड फोन के जो डेटा है फोटो है उनको कॉपी करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पर, अदरवाइज आपको क्लिक करना है डोंट कॉपी पर। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके पास ऑप्शन आता है सेलेक्ट अ सोर्स। सो जिस भी अपने ओल्ड मोबाइल के डेटा को आप यहां पर कॉपी करना चाहते हैं, उस मोबाइल के एप्स को आप यहां पर कॉपी करना चाहते हैं, आपको वो सेलेक्ट करना है। तो फिलहाल हम अपने पुराने मोबाइल के कोई भी डेटा को यहां पर कॉपी नहीं करना चाहते हैं तो हम क्लिक करेंगे डोंट कॉपी पर। डोंट कॉपी पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज में आपको गूगल की जो कुछ परमिशन है वो मांगी जाती है, इनको आप अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको क्लिक करेंगे एक्सेप्ट पर। डोंट कॉपी पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज पर आपके पास ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट योर फोन और अपने फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर डिफरेंट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फेस रिकॉग्निशन, अपने फेस के थ्रू आप इस फोन को ओपन कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, इसके अलावा डिफरेंट पैटर्न आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं जिनको आप सेटअप कर सकते हैं फोन को लॉक और अनलॉक करने के लिए। इसके अलावा पिन और पासवर्ड का ऑप्शन भी आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। तो जो भी आपको सुटेबल लगता है उसको आप यहां पर सेटअप कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको स्किप करते हैं और क्लिक करते हैं स्किप पर, स्किप एनीवे। स्किप पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको नेक्स्ट पेज पर सैमसंग की तरफ से कुछ रिकमेंडेड एप्स देखने को मिल जाएंगे, इसको आप नेक्स्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहां पर आपके पास आता है सैमसंग अकाउंट। अगर आप यहां पर अपना जो सैमसंग का अकाउंट है उसको क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको यहां पर अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू उसको क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हम इस ऑप्शन को भी स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है यहां पर साइन आउट ऑन ऑल दिस, आपको स्किप पर क्लिक करना है। तो आपके पास मैसेज आता है यू आर ऑल सेटअप, फिनिश पर क्लिक करेंगे और आपका जो फोन है वो यहां पर सक्सेसफुली सेटअप हो जाएगा। और फोन जैसे ही यहां पर सेटअप हो जाता है तो कुछ इस तरह का लुक दिखेगा आपको, यहां पर आप देख सकते हैं। सो दोस्तों फोन बूट अप हो चुका है। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं इसकी सेटिंग्स में और इसके कुछ जो बेसिक डिटेल है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं ये है सैमसंग का S21 FE 5G फोन और ये ड्यूल सिम के साथ में आता है, slot 1 slot 2 आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन की बात करें तो यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये फोन आता है
One UI सॉफ्टवेयर वर्जन के साथ में, और इसमें आपको डायरेक्टली Android 12 अपडेटेड मिल जाता है। ये देखते हैं आप। इसके अलावा इसमें जो आपको बैटरी मिलती है वो मिलती है 4500 mAh की। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें S21 FE की इंटरनल स्टोरेज और रैम मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली इनबिल्ट 128 GB की स्टोरेज मिल जाती है। आउट ऑफ 128 GB 102 GB आपके लिए फ्री है यूज करने के लिए। इसके अलावा अगर बात करें इस फोन के रैम की, तो यहाँ पर आपको फोन में 8 GB रैम मिल जाती है, जिसमें से 3.5 GB अभी यूज करने के लिए अवेलेबल है, फ्री है। इस तरह की जो बेसिक फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। वाईफाई आप देखते हैं, यहाँ पर वाईफाई आपको देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ और जो सारे सेंसर हैं, ऑलमोस्ट सारे सेंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों फोन के बॉटम में यहाँ पर आपको फोन का जो स्पीकर है वो देखने को मिल जाएगा। फोन को चार्ज करने के लिए सी टाइप जैक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको सिम इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। ऑन द टॉप यहाँ पर आपको नॉइज कैंसिलेशन का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। बैक साइड में फोन पर यहाँ पर फ्लैश का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इस फोन की कैमरा की, तो इस फोन में आपको बहुत ही जबरदस्त कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छी है। तो फटाफट से हम आपके लिए बाहर आउटडोर जाते हैं और इसके कुछ कैमरा सैंपल और वीडियो सैंपल आपको शो करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहला फोटो सैंपल जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमने S21 FE के रियर कैमरा से खींचा है, रात में बिल्कुल डार्क नाइट में, जहाँ पर कोई भी लाइट हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, और हमने फोन का जो फ्लैश लाइट है उसकी हेल्प से ये फोटो खींची है, और फोटो की जो क्वालिटी है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और सैंपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, फोटो काफी जबरदस्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। और दोस्तों ये फोटो आप देख सकते हैं, ये भी हमने फोन के रियर कैमरा से खींची है, दिवाली की नाइट की ये फोटो है इंडोर में, और इसकी जो क्वालिटी है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको भी हमने इंडोर में शूट किया है, और इसकी क्वालिटी भी लो लाइट में हमें काफी अच्छी देखने को मिल रही है। और एक और फोटो हमने खींची है आउटसाइड की, जो हमने डायरेक्टली अपनी छत से खींची है अपने S21 FE फोन से, और इसकी क्वालिटी भी हमें काफी अच्छी देखने को मिल रही है। और दोस्तों ये लास्ट फोटो हमने फोन के फ्रंट कैमरा से खींची है इंडोर में, और इसकी क्वालिटी भी हमें लो लाइट में काफी अच्छी लगी, आप यहाँ पर इसको देखकर जज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब आप कुछ सैंपल देख सकते हैं इसके वीडियो क्वालिटी के, जो हमने फोन के फ्रंट और बैक कैमरा से शूट किए हैं। सबसे पहले ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये हमने फोन के रियर कैमरा से शूट किया है इंडोर में, और जहाँ पर जो लाइट है वो काफ़ी कम है, और स्टिल जो इसकी क्वालिटी निकल के आ रही है वो हमें काफ़ी अच्छी लगी है। और ये दोनों वीडियो हमने इंडोर सेम रूम में शूट किए हैं, सेम लाइटिंग कंडीशन में, और क्वालिटी हमें काफ़ी अच्छी लगी। दोस्तों ये लास्ट वीडियो हमने आउटसाइड जाकर शूट किया है एज अ व्लॉग इसके सेल्फी कैमरा से, और जो इसकी क्वालिटी है वो आप यहाँ पर जज कर सकते हैं। दोस्तों फाइनली इस वीडियो को एंड करने से पहले हम इस फोन का जो प्राइस है वो आपके सामने रिवील कर देते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, ओपन करेंगे गूगल क्रोम, इसके बाद यहां पर सर्च और ओपन करेंगे फ्लिपकार्ट, इसके बाद यहां पर जाएंगे अपने ऑर्डर डिटेल में। सो दोस्तों हमारे ऑर्डर की लिस्ट में ऑन द टॉप आप देख सकते हैं, ये है वो ऑर्डर जो हमने इस फोन के लिए रिसीव किया है, सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G, जो कि हमने ऑलिव ग्रीन कलर में लिया है, और हमने 8 GB रैम प्लस 128 GB सपोर्ट के साथ आने वाला फोन लिया है, जिसके लिए हमने टोटल प्राइस पे किया है 33,028 रुपीज, और ये फोन हमें डिलीवर्ड हुआ था ऑन 18th October। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप इसकी जो पूरी डिलीवरी डिटेल है वो देख सकते हैं, और ये फोन हमें काफी अच्छी डील में मिल गया था दिवाली की सेल में, SBI का जो कार्ड डिस्काउंट है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल गया था,
और सारे कार्ड डिस्काउंट और अदर डिस्काउंट मिलने के बाद ये फ़ोन के लिए हमने पे किए जस्ट 33,028 रुपीस, जो कि काफ़ी अच्छी डील है इस लेवल के फ़ोन के लिए, क्योंकि इस फ़ोन में आपको सैमसंग के जो महंगे स्मार्टफोन आते हैं फ्लैगशिप लेवल के, उनके फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि ये फ़ोन IP68 रेटिंग के साथ में आता है जो कि वाटरप्रूफ है, और साथ ही साथ इस फ़ोन में आपको वायरलेस चार्जिंग और गोरिल्ला ग्लास विक्टस देखने को मिल जाता है, और इसके अलावा बहुत सारे अदर एडवांस फीचर और अच्छी कैमरा क्वालिटी भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है रिगार्डिंग दिस स्मार्टफोन, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपना जो क्वेश्चन है, अपनी जो क्वेरीज है उनको पूछ सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन का, आपके क्वेरीज का आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।